ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कलकत्ता में डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला अभी थमा नहीं था और हिमाचल के मंडी जिला के सराज और कुमार भी बीएमओ को सस्पेंड करने के खिलाफ, प्रदेश के डॉक्टर भी लामबंद हो गए हैं। इसी के चलते हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने 2 घंटे ओपीडी का बहिष्कार किया है और काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन किया है। इस दौरान सभी डॉक्टर कॉलेज गेट पर एकत्रित हुए और सरकार की कार्यप्रणाली पर डॉक्टरों ने प्रश्न चिन्ह लगाए। कलकत्ता में डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला अभी थमा ही नहीं था और हिमाचल के मंडी जिला के सराज और घुमार में बीएमओ को सस्पेंड करने के खिलाफ प्रदेश के डॉक्टर भी लामबंद हो गए हैं। इसी के चलते हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने 2 घंटे ओपीडी का बहिष्कार किया और काले बिल्ले लगाकर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी डॉक्टर कॉलेज गेट पर एकत्रित हुए और सरकार की कार्यप्रणाली पर डॉक्टरों ने प्रश्न चिन्ह लगाए। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन हमीरपुर के कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर ने कहा कि प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन मेडिपर्सन एक्ट को लेकर काफी समय से संघर्षरत हैं, लेकिन लगता है कि सरकार दूसरे प्रदेशों को देखकर कोई निर्णय लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पर आए दिन हमले हो रहे हैं और डॉक्टरों को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। हिमाचल में एक तो हमने बंगाल की सॉलिडरिटी के लिए जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए हमने ब्लैक पैचेस आज वेयर किए हैं, क्योंकि कल हॉलीडे था तो हम इतनी सॉलिडरिटी शो नहीं कर पाए। आज ओपीडीज ओपन हुई हैं तो आज से हमने प्रोटेस्ट के लिए सॉलिडरिटी शो की है बंगाल के डॉक्टर्स के लिए, जो उनका अपमान हुआ है। और साथ ही साथ हिमाचल में कुछ घटनाएं हुई हैं जो बड़ी चिंताजनक हैं, जैसे कि अभी थाची पीएचसी में एक महिला डॉक्टर के साथ मारपीट हुई और उन पर हाथ भी उठाए गए और ड्यूटी के दौरान मारपीट हुई, उस पर अभी तक कोई कंक्रीट एक्शन नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि बीएमओ जो हैं घुमारवी में, उनको बिना किसी जांच के सस्पेंड कर दिया गया है एक केस में, उसके अगेंस्ट भी हम मांग उठा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ पीजी पॉलिसी के इशू हैं, कोई एमडी और डीएम के जो सरकार से बात हुई थी और वो इस मामले पे मान गए थे कि अब 2 साल में जो डॉक्टर्स हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए स्पॉन्सर किया जाएगा, वो ऐसा नहीं हो पाया। वो उन्होंने चुपके से पॉलिसी में चेंज करते हुए 2 से 4 साल का कर दिया उसको। तो ये सब हमारे मेन मुद्दे हैं। मेन मुद्दा हमारा वैसे सुरक्षा का है, डॉक्टर्स की हम फाइट कर रहे हैं इसके लिए। अभी हमारे बिल्कुल ब्लैक बैचेस चल रहा है, आगे और इंटेंसीफाई हो सकता है स्टेर। अभी हमने एमरजेंसी से डॉक्टर को बुलाना था पर वहाँ पे अभी एक बहुत सीरियस मरीज शायद वो मर चुका है, उसकी ट्रीट कर रहे हैं। एमरजेंसी भी अभी हैम्पर नहीं कर रहे हैं, पर फिर अभी हमें थोड़ा सा इंटेंसीफाई कर पाएंगे। अगर सरकार इस पर कुछ सीरियसली नहीं सोचती है तो हमारी सरकार से है कि इससे पहले कि नुकसान हो मरीजों का भी, जो हम नहीं चाहते, वो हमसे बात करने आए और इन मुद्दों को सुलझा लें। वहीं उन्होंने सरकार पर पीजी पॉलिसी को भी बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने पीजी पॉलिसी में चुपके से बदलाव किया है, जो कि सही नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सरकार से पूर्व में वार्ता हुई थी जिसमें सरकार ने माना था कि उच्च पढ़ाई के लिए सरकार डॉक्टरों को स्पॉन्सर करेगी। पता नहीं, वो शायद देख रहे हैं कि देशव्याप में क्या हो रहा है, उसके बाद ही शायद वो, जैसे बोलते हैं ना कि वो पैटर्न फॉलो करना, कि पंजाब पैटर्न फॉलो कर लिया ये, तो शायद वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का फॉलो करने का, कि जो ऑल ओवर सेंटर में होगा उसको फॉलो करेंगे। पर तब तक तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि 24 घंटे सर्विस देना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना सिक्योरिटी के। तो ये सरकार को देखना पड़ेगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मैं डॉक्टर अभिषेक ठाकुर हूँ और मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, जो हमारी एजिटेशन है उसका।